हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश एसआई के अंदर जो 27 तारीख को पेपर हुआ था उसके सोल्यूशन की। देखिए, 26 तारीख को दो पेपर हुए थे, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट पेपर जो था वो नॉन टेक्निकल था, लेकिन जो सेकंड पेपर है वो टेक्निकल है। मतलब जो टेक्निकल ब्रांच से जो उसको फील करते हैं उस एग्जाम में, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें सिर्फ मैथ्स आएगा, फिजिक्स आएगा और केमिस्ट्री आएगा। 35, 35 और 30 के ये पोर्शन आते हैं इसके अंदर। इसमें ना तो आपका हिंदी आता है ना ही अदर सब्जेक्ट, ठीक है। और साइंस जो है वो बहुत डीपली आता है। इसके अलावा मैथ्स जो होता है उसका 10% हिस्सा सिर्फ एरिथमेटिक आता है। इसके अलावा जितना भी मैथ्स होगा वो 11th प्लस 12th का मैथ्स होगा। तो जो नॉन टेक्निकल के बंदे हैं उनके ये जो है वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री तक तो ठीक है, लेकिन जो मैथ्स का लेवल है और जो बाकी अदर एग्जाम्स के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उसमें सिर्फ 10th लेवल तक का मैथ्स आता है, ठीक है। और उसके अंदर सिर्फ आपका एरिथमेटिक, एडवांस मैथ्स वगैरह आता है, लेकिन इसके अंदर जो है वो मैट्रिक्स जो कि सिलेबस से बाहर है वो सारी चीजें आती है इसमें, ठीक है। तो लगभग बहुत ज्यादा लोग, मध्य प्रदेश के लगभग 80 से 90% लोग जो है वो नॉन टेक्निकल में फॉर्म फिल करते हैं, क्योंकि उसमें हिंदी आता है 70 नंबर का, जो जो उनका हेल्पिंग होता है, हेल्प कर देता है एग्जाम में पास होने के लिए। लेकिन जो मैथ्स का लेवल होता है वो बहुत डीपली होता है। अगर मैं खुद आपको पढ़ाना चाहूँगा तो जैसा कि मैं 11th 12th क्लास में पढ़ाता हूँ उस लेवल से अगर पढ़ाऊंगा तो उसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। मतलब मैं वही फार्मूले लगा करके आपको बताऊंगा। तो सिर्फ ये उन बंदों के काम का है जो टेक्निकल ब्रांच से फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि उसका मैथ्स जो है वो किसी काम का नहीं है। हाँ, हालांकि 10% मैथ्स जो है वो एरिथमेटिक आता है उसके अंदर। प्रोबेबिलिटी हो गया, एपीजीपी हो गया। अब देखिए, एपीजीपी भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ा नहीं होता है। एपीजीपी भी क्या होता है ये नहीं पता होता उनको। हिंदी मीडियम के होते हैं जिसमें गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ठीक है, हरात्मक श्रेणी। तो ये चीजें मैंने अभी पढ़ाई नहीं है और ये चीजें मैं बहुत जल्दी पढ़ाऊंगा, तब ये चीजें क्लियर होगी। इसलिए मैंने 26 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है वो नहीं लिया है, ठीक है। अब इसी के साथ एक बात और कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के 2017 में 11 पेपर हुए थे टोटल, ठीक है, जिसमें से एक तो ये टेक्निकल था। तो बाकी के जो 10 पेपर नॉन टेक्निकल है, जिसकी एक वीडियो हम कल दे चुके हैं और दूसरी वीडियो है ये, इसके बाद 9 वीडियोज और बचेगी, ठीक है। 11 में से 2 हो गई ना और एक टेक्निकल हो जाएगी, मतलब 8 बचेगी सिर्फ। तो 8 वीडियोज कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एमपी कांस्टेबल का मैथ्स करेंगे, क्योंकि फिर तो ये कंप्लीट हो जाएगा इसका मैथ्स। और कांस्टेबल का मैथ्स के साथ साथ ही हम रीजनिंग पढ़ेंगे कंप्लीट, और रीजनिंग भी वो जो पिछले साल आई थी आपकी 2017 के पेपर में, 2016 के पेपर में और 2017 के पेपर में। तो ये कंप्लीट रीजनिंग करने वाले हैं। इसके पहले मैं चाहता हूँ कि आप मैथ्स का पोर्शन पूरा कर लें, ठीक है। तो चलिए, आप एमपी कांस्टेबल और एसआई के लिए ये सारी वीडियोस देख सकते हैं, जिसके अंदर हिंदी की वीडियोस, मैथ्स की वीडियोस। मैथ्स के अंदर हमने एक तो आर एस अग्रवाल बुक को सोल्व कराया है, उस बुक का भी पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसके साथ हमने एस डी यादव मैथ्स जो है जो यूपी में खास तरह से प्रचलित है, ठीक है, यूपी, राजस्थान, बिहार हो गया, तो उस बुक को भी मैंने पूरा सोल्व कराया है। ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर छोड़ दें, ठीक है, प्रिज्म पिरामिड को छोड़ दें, तो बाकी पूरा 90% चैप्टर जो है, मैंने उसमें से लगभग 7 चैप्टर बचे हैं, उसमें 34 में से मैंने सारे चैप्टर करवा दिए, 28 लगभग, ठीक है, 28 27 28 के आसपास। तो करंट अफेयर की वीडियोस भी आप देख सकते हैं और एमपी पुलिस के पुराने पेपर भी देख सकते हैं आप, एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल के, जिसमें मैंने लगभग 21 पेपर सोल्व करा दिए हैं, ठीक है। एमपी जीके की वीडियोस भी आप देख सकते हैं। अगर आपको मैथ्स में डाउट है या रीजनिंग में डाउट्स है तो अगर आप तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप अपने मैथ्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पे कोई भी आपका सोल्यूशन दे सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप उस पर टच करके जुड़ सकते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं, किसी संख्या के 3/4 का 1/2 120 है तो वह संख्या क्या है। देखो, किसी संख्या के 3/4 का 1/2 का मतलब होता है गुणा, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है किस क्वेश्चन में किस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। जैसे बोले कि 40 का 60% बताइए, या 40 का कितना परसेंट है, तो वहां पे एक अलग मैटर करेगा, यहाँ पे अलग मैटर कर रहा है। 3/4 का 1/2 120, तो बस 3 से ये कट जाएगा 40 बार, 4 × 8 और 8 का मल्टीप्लाई करो, 8 × 32, 320 हो गया हमारा आंसर इसका, ठीक है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो आयत की लंबाई मान लो, ये चौड़ाई मान लो x, तो लंबाई जो है उसकी दुगनी है, तो 2x हो गई, ठीक है, ये लंबाई ये चौड़ाई।
आयत का क्षेत्रफल दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 1250 दिया है। देखो मेंटली कर सकते थे इनको आप, ये 2x x 2 से कटेगा, ये 650 बार, 650 25 का स्क्वायर होता है, और पूछा क्या है लंबाई, तो लंबाई चौड़ाई की डबल है, तो 25 का डबल ऑप्शन में हो गया 50। इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं सबको समझाना चाहता हूँ, 2 से इसको काट दीजिए, 650 बार x x x स्क्वायर हो गया, 650 हो गया 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, तो x की वैल्यू आ गई 25। x हमने माना था चौड़ाई को, तो लंबाई क्या है उसकी डबल है, मतलब 50। ठीक है, ए और बी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, ए 6 दिन में कर सकता है। देखो टाइम एंड वर्क का आप चाहें तो एमपी कांस्टेबल में 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं हर पेपर में, लगभग 4 से 5 या 5 से 6 भी। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, टाइम एंड वर्क का हमारा एसडी यादव मैथ्स का सॉल्यूशन देख लीजिए, या फिर आरएस अग्रवाल का सॉल्यूशन देख लीजिए। कैसे देखेंगे, मान लो आपको किसी भी चैप्टर की वीडियो देखना है, जैसे समय दूरी हो गया, रेलगाड़ी हो गया, किसी भी, तो आप जो भी जिस भी टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं उस टॉपिक का नाम लिखिए। जैसे आपको देखना है परसेंटेज, तो परसेंटेज एसडी यादव मैथ्स बाय परफेक्शन एकेडमी, आप ये पूरा सर्च कर लीजिएगा, जो भी चैप्टर चाहिए वो यहाँ पे आगे लिखना है, बस बाकी ये पूरा लिखना है आपको, एसडी यादव मैथ्स बाय परफेक्शन एकेडमी। ठीक है, तो आप हमारी वीडियोस देख पाएंगे। अब यहाँ देखिए, ए और बी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, हालांकि मैं एक वीडियो बना दूंगा इस पे टाइम एंड वर्क पे, ठीक है, जिसमें मैं सारे तरह के क्वेश्चंस कवर कर लूंगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, तो ज्यादा क्वेश्चन जिस जिस टॉपिक से आ रहे हैं उसका एक कंप्लीट वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे बनाए मैंने प्रायिकता पे, क्रमचय संचय पे, वो आप देख लेना। ए और बी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, ए अकेला 6 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करेगा। देखो सिंपल क्वेश्चन है, 4 और 6 का एलसीएम आ गया 12, मतलब मैंने मान लिया कि ये जो है वो 12 बिस्किट बनाते हैं। अगर ए 4 दिन में 12 बिस्किट बनाएगा तो हर रोज कितने बनाएगा, 3। अगर ए जो है वो ए और बी दोनों मिलकर के, ठीक है, अब ये ए है, ए 6 दिन में अगर 12 बिस्किट बनाता है तो हर रोज कितने बिस्किट बनाएगा, 2। 6 से डिवाइड कर दो 12 को, 2 आ गया। अब ये बताओ मेरे को, ए और बी मिलकर के एक दिन में 3 बिस्किट बनाते हैं, और उसमें से ए जो है वो 2 बिस्किट बनाता है, तो 3 में से अगर ए 2 बनाता है तो बाकी का बचा हुआ 1 जो है वो बी बनाएगा, और अगर बी 1 दिन में 1 बिस्किट बनाता है तो उसको 12 बनाना है, तो 12 दिन लगेंगे ना, तो 12 दिन हो गया आपका आंसर। इसको डीप में समझने के लिए आपको टाइम एंड वर्क लिखना है, यहाँ पे टाइम एंड वर्क एसडी यादव मैथ्स बाय परफेक्शन एकेडमी सर्च करना है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, लगभग 140 के आसपास कुछ क्वेश्चन हैं, मैंने सारे करवाए हैं, ठीक है, जिसमें सारे लेवल कवर हो जाएंगे। 40,000 और 75,000 रुपये की राशि ए और बी ने लगाई, और 5 वर्ष के बाद उनको इतने रुपये का की राशि मिली, तो ए का हिस्सा कितना है। देखो ए और बी ने 40,000 और 75,000 रुपये की राशि लगाई, 40,000 और 75,000, के फोर, के मतलब होता है 1,000, ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा, मतलब 40,000 था ये 75,000 था, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। ठीक है, अब 5 वर्षों के अंत में उनका लाभ इतना है, तो देखिए 5 वर्षों तक लगाई इसने भी और 5 वर्षों तक लगाई इसने भी, तो 5 से 5 फिर से कट गया। ये तो अगर कितने भी वर्षों के लिए लगाए राशि, वो आपको नहीं लिखना है, ठीक है, ये बोलता है 8 वर्षों के लिए तो भी नहीं लिखना है, 6 वर्षों के लिए तो भी नहीं लिखना है, लेकिन सवाल में अगर चेंज आ जाता है कि 5 वर्षों के लिए लगाई लेकिन 2 वर्षों के बाद आधी राशि निकाल ली या आधी राशि डाल दी, तो ये जो है वो पार्टनरशिप का चैप्टर है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, और पार्टनरशिप का भी मैंने एसडी यादव मैथ से सॉल्यूशन करवाया है, उसका भी एक बार पूरा सॉल्यूशन देख लेंगे, तो फिर ये जो पेपर हम सोल्व कर रहे हैं ना, ये आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार सॉल्यूशन जरूर देख लेना एसडी यादव मैथ्स का, सभी चैप्टर का एक एक बार देख लो अगर वास्तव में सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस को डीप में पढ़ाया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ 40 और 75 बचा है, तो आप इसको 5 से काट दो, 5 और 40, 5 से कटेगा 15 5 75, 8 और 15 के रेशो में ए और बी का रेशो आ गया। ये बोल रहा है दोनों को इतने रुपए का लाभ हुआ, हमेशा पूंजियों को लाभ के रेशो में बांटा जाता है, हमेशा ध्यान रखना, पूंजी को मतलब जो भी उन्होंने पैसा लगाया था वो पूंजी को उनके लाभ के रेशो में बांटा जाता है, ये पूंजी का रेशो आ गया ये, तो इसको इस लाभ के रेशो में बांट दो। टोटल दोनों ने 46,000 रुपए कमाए, यहाँ पे कितने कमाए, 15 और 8, 23 हो गया ये, 23 रुपए, 15 और 8 23, ठीक है, और वो बोल रहा है 46,000 कमाए, तो 23 हो गया 46,000 की वैल्यू, है ना, तो 23 दुना 46, 1 हो गया 2,000 की वैल्यू, तो ये बोल रहा है ए का हिस्सा बताओ, ए कितना है, 8,
तो आठ का हिस्सा, तो आठ कितना होगा, एक अगर 2000 की वैल्यू तो आठ होगा 16000 की वैल्यू, ऑप्शन ए हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए ए बी किसी काम को 12 दिन में, तो ए बी 12 दिन में, बी सी 15 दिन में और सी ए 20 दिन में करते हैं। 12 15 20 एलसीएम कितना आ गया 60, 12 5 60, 15 चौक 60, 20 दिया 60, एलसीएम जो है वो लाना है हमें मल्टीप्लाई करके। इनको आप जोड़ लीजिए 5 और 4 9 और 3 12, दो बार है एबीसी, ए भी दो बार है, बी भी दो बार है और ये सी भी दो बार है, तो दो बार ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये मिलकर के कितना 12 काम करते हैं। तो अगर एक बार ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 6 काम सिर्फ। ठीक है, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के सिर्फ 6 काम करते हैं, है ना, एक दिन में। और हमें चाहिए ए कितने दिनों में उसी कार्य को करेगा, तो हमें अगर ए चाहिए इनमें से, तो ए बी सी में से अगर बी सी का कार्य घटा दूंगा तो ए का कार्य आ जाएगा, और बी सी का कार्य कितना है 6, तो 6 में से 4, 6 में से 4 घटा दीजिए मतलब बी सी का कार्य, तो बचा कितना ए, ए का कार्य बचा सिर्फ, बी सी का कार्य हट गया ना, तो ए कितना कार्य करता है रोज, 2 कार्य करता है, उसको करना कितना है 60, तो 60 कार्य करना है, हर रोज करता है 2 कार्य, 30 दिन लगेंगे उसको, तो ए को लगेंगे 30 दिन। देखिए अगला सवाल देखते हैं, 256 की पावर 0.16 गुना 16 की पावर ये है का मान ज्ञात कीजिए। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इसको ऐसा कीजिए कुछ कि यहाँ पे बेस सेम हो जाए इसका, ठीक है। देखिए ये 16 और 256 आई थिंक 4 से कटता है ना, तो 4 की फॉर्म में लिख दो इसको। देखो 4 की पावर 4 होता है 256, और उसकी पावर कितनी दी है 0.16, ठीक है, इंटू 16 को लिख दिया मैंने 4 का स्क्वायर, और ऊपर पावर कितने दिए 4 का स्क्वायर और पावर दिए 0.18, ठीक है, तो 4 की पावर कितना हो गया, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में, तो ये हो जाएगा 0.64, 16 चौके 64 गुना 4 की पावर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 दुना 36 0.36, गुणे में आधार समान है तो घातिया जुड़ जाएगी, तो देखो 4 की पावर 0.64 और 0.36 मतलब ये हो गया 0.64 और 0.36 मतलब एक हो गया, तो 4 की पावर 1 करोगे तो 4 आंसर होगा, ठीक है। वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 989 और 1327 में भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 शेषफल बचता हो। देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको, एलसीएम एंड एससीएफ में करवाया है मैंने ये, ठीक है, एसडी यादव मैथ्स का और आरएस अग्रवाल का, दोनों में करवाया है। ये बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताना है हमें, बड़ी से बड़ी, है ना, सबसे बड़ी, और 8 16 32 24 में से, जिससे इन सब में अगर भाग देंगे तो 5 और 7 शेषफल बचता हो। सबसे बड़ी पूछा है उसने, ठीक है, वो 8 भी हो सकती है, 32 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, 24 भी हो सकती है ना, बड़ी से बड़ी। तो देखिए जब भी बड़ी से बड़ी पूछेगा इसका मतलब हमें से पूछेगा वो HCF, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़े से बड़ा नंबर जो काट दे। तो मेरे को एक बात बताओ, जब 989 और 1327 को कोई नंबर इनमें से काटेगा तो 5 और 7 शेषफल बचेगा ना, इसका मतलब अगर मैं इसमें से 5 घटा दूं और इसमें से मैं 7 घटा दूं तो बचेगा जो नंबर 1320 और यहाँ बचेगा 984, तो ये जो नंबर आया है वो किसी न किसी नंबर से, जो बड़े से बड़ा नंबर है इससे ये पूरा पूरा कटेगा, ये पक्का पता चल गया अब आपको, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमें इन दो नंबर का क्या निकालना है, सिर्फ अब HCF, ठीक है, इन दोनों नंबर का क्या चाहिए, HCF, वो बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों को काट दे, और ऑप्शन में होगा वो। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले देखो दोनों सम संख्याएं हैं तो 2 से काट दीजिए इनको, तो देखिए 2 से काट देंगे आप तो 2 से लिख दो, 2 इधर लिख दो, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 नम 18, 2 दुना 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12 0, ठीक है। अब ये 2 से फिर से कटेगा तो 2 फिर लिख दो, 2 तिया 6, 2 तिया 6 0, 2 दुना 4, 2 चौके 8, 2 छंग 12, ठीक है, अब ये 2 से कट जाएगा, ठीक है, फिर से। तो आप एक काम करो, 3 से कट जाएगा क्या, 6 और 4 10 और 2 12, हाँ 3 से काट दो इसको, 3 एकम 3, 3 एकम 3 0, 3 8 24, 3 दुना 6, ये 3 से काट दिया। अब फिर से ये 2 से काट दो इसको, 2 5 10, 2 5 10 एक बचा, 2 5 10, ठीक है, 2 6 8, 2 एकम 2, ये 2 से काटा हमने, ठीक है,
अब ये 41 आ गया जो कि एक अभाज्य संख्या, अब ये नहीं कटेगी। 55 पांच से कट जाएगा लेकिन पांच से ये नहीं कटेगा, अब सोलव नहीं होगा। तो देखो इसमें क्या आया, 2 दुना 4, 4 तिया 12, 12 दुना 24। अगर 41 में मैं 24 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 984 पूरा कटेगा, और 55 में भी इसी 24 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब ये फैक्टर आ गया इसका गुणनखंड, ठीक है, 41 गुना 24 और 55 गुना 24। तो इन दोनों में से एक नंबर ऐसा है जो कॉमन है, वो है 24। मतलब बड़े से बड़ा नंबर 24 ही है इन दोनों के अंदर जो इसको काट देगा। 24 HCF हो गया हमारा, या फिर कह सकते हैं 24 सबसे बड़ी संख्या है जो 989 और 1327 को बाद जब डिवाइड करेंगे तो 5 और 7 शेषफल देगा। देखिए अब अगर 24 से कट रहा है तो ये जो है वो 8 से भी कटेगा, क्योंकि 8 का एक गुणनखंड है ये, ठीक है। तो आंसर 8 भी हो सकता है, लेकिन 8 कैसे होगा जब ये बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या है तो इस ऑप्शन में 8 के बाद 24 भी है ना, 16 नहीं होगी, क्योंकि 8 का मल्टीपल 16 है लेकिन 16 का मल्टीपल 24 नहीं है। ऐसा नंबर ढूंढना है जो 24 का मल्टीपल हो सीधा, तो 8 ही है, तो 8 भी आंसर हो सकता है, लेकिन वो तो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे बड़ी पूछा है तो 24 आंसर होगा, ठीक है। 20 लड़कियों का औसत वजन इतना है, देखो 20 सॉरी लड़कों का, तो 20 लड़कों का 89.4 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 2 चौके 8, 8 2 9 18, 8 दूना 16 1 17, 1788, ठीक है। अभी बोल रहा है बाद में ज्ञात हुआ कि 1788 था 20 लड़कों का एवरेज वेट, लेकिन बाद में पता चला कि 87 किलो के स्थान पे 78 लिख दिया, मतलब लिखना था 87 लेकिन गलती से 78 लिख दिया। कितने नंबर का फर्क रह गया, 9 नंबर का, मतलब 9 कम लिख दिया, 87 लिखना था लेकिन 78 ही लिखा, तो 9 कम लिख दिया। और ये बोल रहा है सही औसत बताओ, तो 9 कम लिखा है तो वो 9 जोड़ दो इसमें, क्योंकि 9 की गलती हुई है, ठीक है। तो 9 का 9 जोड़ने के बाद सही एवरेज निकालो, तो 20 लड़के हैं तो 20 से डिवाइड कर दो, इनको जोड़ने के बाद 20 से डिवाइड कर देना, एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। सरिता और जूली एक ही बिंदु से एक ही समय पर विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करती है, यदि उनकी गति 2.5 और 2 है तो कितने समय बाद उनके बीच की दूरी 18 हो जाएगी। देखो एक पोल है, ये यहाँ पे खड़ी है सरिता और जूली, तो सरिता इधर जाती है और जूली इधर जाती है, ठीक है, और विपरीत दिशाओं में, मतलब एक इधर, ठीक है। उनकी गति 2.5 और 2 है, इसकी गति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में ये कितनी दूर चली जाए, ये कहाँ तक आ जाए ऐसी, और ये भी कहाँ तक आ जाए, कि इन दोनों के बीच की दूरी 18 किलोमीटर की हो जाए। तो विपरीत दिशा में चालें जुड़ती है आप जानते हैं, तो 18 किलोमीटर की दूरी बनाना है उन दोनों के बीच में, और दोनों की स्पीड विपरीत दिशा में 2 और 2.5 है, मतलब 4.5 हो गई, तो कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, आप जानते हैं फार्मूला होता है बेसिक सा, पॉइंट हटेगा 0 लगेगा, तो 45 चौके 180 होता है, तो 4 घंटे में वो इतनी दूर हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए हो गया आपका आंसर यहाँ पर। चलिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 3.5 सेंटीमीटर लंबाई वाले चाप द्वारा निर्मित किया गया। देखिए समझने वाली बात है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का, तो ये एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या है 5, ये बोल रहा है कि जो उसका क्षेत्रफल बताना है हमें त्रिज्याखंड का, जो त्रिज्या द्वारा बनता है त्रिज्याखंड कहलाता है। अगर मान लो ये भी त्रिज्या होगा इसकी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी को रेडियस कहते हैं, तो देखो ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, इस त्रिज्या द्वारा बना ये जो खंड है, मतलब अगर मैं इसको अलग से लिख दूं तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, ये भी 5 है ये भी 5 है और ये उसकी हो गई जीवा, तो ये हो गया त्रिज्या खंड, ठीक है, सेंटर है ये हो गया त्रिज्या खंड आपका, जो 3.5 सेंटीमीटर लंबाई वाले चाप द्वारा बना है। इसके ऊपर एक चाप बना हुआ है, ये चाप जो है, इस चाप की लंबाई कितनी है, 3.5, यहाँ से लगा करके ये यहाँ तक की दूरी, अगर मैं इसमें इस पॉइंट से लगा करके इस पॉइंट तक की अगर ये दूरी मिला दूं तो इसको कहेंगे हम जीवा, ठीक है, इसको कहते हैं जीवा। लेकिन ये जो तिरछी लाइन है जिसमें ये सर्कल की है, ये वाली लाइन, इसको कहते हैं चाप, ठीक है, हमें जीवा से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अब ये बोल रहा है कि हमें उसका एरिया बताना है इसका, जिसकी रेडियस 5 है और जिसकी जीवा जो है वो 5 3.5 सेंटीमीटर लंबाई वाली है। तो देखिए हमेशा अगर हमें एरिया निकालना है उसका, एरिया A4 एरिया, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हर कोई नहीं बताएगा आपको,
जब भी हम सर्कल बनाते हैं एक, ठीक है, तो सर्कल के अंदर हम पाई आर स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं। आप जानते हैं सर्कल का अगर एरिया निकालते हैं हम तो वो होता है पाई आर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल होता है इसका, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर तो रेडियस हो गई, लेकिन ये पाई क्या चीज है, ये पाई होता क्या है एक्चुअली, ये पाई आज मैं डिक्लेयर कर दूंगा। देखिए पाई का मीनिंग ये होता है कि एक ऐसा सर्कल जिसका अगर सर्कमफ्रेंस, मतलब ये जो पूरा कह सकते हैं इसकी पूरी जीवा, ये पूरी हो गई इसकी जीवा, ठीक है, तो ये पूरी जीवा अगर 22 है तो उसकी रेडियस 7 है। ये चीजें समझ में आ रही है आपको, अगर पूरा सर्कमफ्रेंस उसका 22 होगा तो इसकी रेडियस 7 होगी, 22 और 7 का रेशो होगा तभी ये गोला जो है, या ये जो सर्कल है, या ये जो जो भी है, ठीक है, वृत्त भी कह सकते हैं, गोला भी कह सकते हैं, ठोस या खाली का फर्क होता है बस, तो ये परफेक्ट गोल बनेगा। अगर कोई सर्कल बोल रहा है कि कोई वृत्त बना हुआ है, तो वृत्त ऐसा क्यों नहीं बना देते आप ऐसा क्यों नहीं बना देते, गोल तो ये भी है लेकिन हम सिर्फ गोल जैसा रूप देते हैं इसको, बिल्कुल सब तरफ से गोल लग गई है। तो जब परफेक्ट एक पूरी तरीके से गोल बनाना होगा उसको अगर, तो उसकी जो सर्कमफ्रेंस है उसको 22 रखना पड़ेगा और उसकी त्रिज्या को 7 रखना पड़ेगा, तो सर्कमफ्रेंस अपॉन रेडियस, इसीलिए 22/7 होता है पाई की वैल्यू। ये चीजें समझ में आ रही होगी अब सबको कि किसी भी शेप को अगर पूरी तरीके से गोल बनाना है तो सर्कमफ्रेंस 22 रखना पड़ेगा, रेडियस 7 रखना पड़ेगा, ठीक है। ये बुक में नहीं दिया होता है, ये चीजें आपको मैं समझा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 22 और 7 का मतलब ये चक्कर है कि पूरा सर्कमफ्रेंस अगर 22 है तो रेडियस, मतलब पूरा सर्कमफ्रेंस 22 और रेडियस है अपॉन में 7, इस तरीके से निकाला जाता है। लेकिन अगर इस क्वाड्रेंट का, मतलब एक चतुर्थांश है जो भी हिस्सा है, ये एक सेक्टर हो गया, अगर इस सेक्टर का अगर एंगल दिया होता तो हम उसका एरिया आसानी से निकाल सकते थे थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर की मदद से। पाई हमें 22/7 दिया हुआ है, ठीक है, और रेडियस हम निकाल सकते थे, रेडियस दी थी 5, लेकिन अगर थीटा दिया होता तो निकाल सकते थे ना, यहाँ पे एंगल तो दिया ही नहीं है, तो अब कैसे निकालेंगे जब भी इस तरह का सवाल आ जाए। तो जब भी इस तरह का सवाल आ जाए तो हमेशा अगर ये हमें जीवा दी हुई है, ये जो है ना, सॉरी हाँ, ये चाप जो दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर का है, तो ये सर्कमफ्रेंस हमें इतना ही तो निकालना है, पूरा सर्कल थोड़ी निकालना है 22, हमें तो सिर्फ इतना सा हिस्सा निकालना है। तो चाप जो जीवा या चाप जो भी है, इसको चाप भी कहते हैं, जीवा भी कहते हैं, बस ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मिला दोगे तो जीवा बन जाएगी, और ये जो हिस्सा है वो चाप, तो चाप इज इक्वल टू जीवा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। तो ये दूरी अगर 3.5 है तो ये सर्कमफ्रेंस हो गया एक प्रकार से, ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस हो गया 3.5, मैं पाई की वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। पाई एक्चुअली 22/7 होता है, लेकिन पूरे सर्कल के लिए, अगर सेमी सर्कल की बात हो या सेमी सर्कल का भी आधा कर दें, आधा टुकड़ा और उसका भी आधा कर दें, मतलब कुछ इस तरह का जिसका एंगल ही नहीं पता हमें, बस रेडियस पता है और उसका जो है वो कॉर्ड पता है, उसकी जीवा पता है हमें, ठीक है। तो पाई की जगह मैं रखूंगा 3.5 और रेडियस, रेडियस कितनी दी हुई है 5, तो पाई की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं यहाँ पे 3.5/5, ये पाई का क्लियर वैल्यू हो गया यहाँ पे। अब अगर मैं इस क्वाड्रेंट का हिस्सा निकालना चाहूँ, मतलब इसका अगर मैं क्षेत्रफल निकालना चाहूँ, तो वो होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन वृत्त के त्रिज्याखंड का एरिया हमें निकालना है तो वो होगा उसका आधा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाय 2, हमेशा ये चीज ध्यान रखना है, पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा इसका एक चतुर्थांश, या एक कह सकते हैं उसके एक उसका हिस्सा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पाई 1/2 इंटू पाई, पाई कितना दिया है यहाँ पे, पाई पूरा नहीं रखना है, 3.5/5 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना दिया है 5/5, ठीक है, तो 5 से 5 कट गया, तो ये कितना हो गया 5/1/2, ठीक है, या एक काम, चलो ठीक है यही कर लीजिए। अब आप इसको 35/5 कितना हो जाएगा, ये एक काम करो, ये पॉइंट हटा दो तो बटे में कितना आ जाएगा 10, ठीक है, तो 5×10 हो गया, ये ऊपर हो गया 35 और बटे में कितना हो गया 2×2=4, 35 में 4 का भाग दीजिए, 4×8=32, 4×9=36, तो 4×8=32 8 के समथिंग आ रहा है, तो 7 तो आंसर नहीं होगा, 4×8=32, 33×34=35, 3 बचा, ये 0 हो गया, 4×8=32 हो जाएगा, तो 4 से तो 28, सॉरी 8.7, तो ये रहा ऑप्शन
4 हो गया आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। 7 लीटर दूध और मिल्क, दूध और पानी सॉरी, मिल्क और वाटर है। इंग्लिश में हिंदी में कई बार क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है, हिंदी का आधा वर्ड बोल देते हैं इंग्लिश का आधा निकल आता है, ठीक है। तो 2:1 में दिया हुआ है, अगर ये 60 लीटर का मिश्रण, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, और वहां पे टोटल दिया है 60, तो 3 से डिवाइड कर दो तो 20 बार आ गया ये। 20 का मल्टीप्लाई करो, 20 × 2 = 40, 20 × 1 = 20, 40 और 20 के रेशो में आ गया। ये बोल रहा है कितना पानी और मिलाए, सिर्फ वाटर मिलाने का बोल रहा है, तो 20 में और कितना मिलाए कि इनका जो रेशो है वो 1:2 में हो जाए, ठीक है। तो मेरे को एक चीज बताओ, सिंपल है कि दूध को तो नहीं मिला रहे हैं ना, इसको तो नहीं मिला रहे हैं, तो ये अगर 40 का 40 ही बचे, समझना, देखो हमें रेशो किस अनुपात में करना है, 1:2 में करना है, तो 1:2 में करना है। तो देखो दूध को तो नहीं मिला है ना, और दूध एक है वैसे भी, तो अगर मान लो इसको नहीं मिला है तो ये 40 ही है, तो यहाँ पे अगर 40 से कम 40 हुआ है तो 40 × 80 होना चाहिए ना। देखो ये चीज कॉमन है यार, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो 20 में कितना मिला है कि 80 हो जाए, 60 मिलाना पड़ेगा, ठीक है। 120 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी, एक स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट निकल गया, बहुत प्रॉब्लम होती है बोलने में थोड़ा सा, आप माइंड रख दीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, शब्दों पे नहीं। 120 मीटर लंबाई की रेलगाड़ी है, उसको 10 सेकंड का समय लगता है पार होने में, तो मीटर पर सेकंड में बताना है उसकी चाल। तो देखिए उसकी चाल मान लो 1 × 5/18 बराबर इतनी दूरी इतने समय में पार कर रही है, तो 12, ये 12 आ गया मीटर पर सेकंड में, ठीक है आपका, तो 5/18 का मल्टीप्लाई मत कीजिए इसमें, क्योंकि ऑलरेडी ये तो मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, 120 मीटर में है और 10 जो है वो सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड 12 आ गया, 12 से 120 को 10 से काट दिया, तो इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं आपको। 2000 का 5% की दर से चक्रवर्ती ब्याज निकालना है 3 साल बाद का, बहुत सारे तरीके आपके अब सामने, आप ट्री मेथड लगा लीजिए, 2000 का 5% कितना हो गया 10%, 200 तो 5% 100, पहले साल 100, दूसरे साल 100, तीसरे साल 100, 100 का 5% होता है 5, और 100 और 100 200 200 का 5% हो जाएगा 10, इस 5 का भी 5% 0.25, ठीक है, तो ये हो गया 315 और 25 315.25, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 हो गया आपका आंसर, और 2000 जो है वो तो मूलधन है आपका, ए बी ए सी ये दिया हुआ है, ए बी सी हमें ये निकालना है, तो ए बी कितना दिया है 2 और 1 में, ए सी कितना दिया है 1 और 3 में, देखिए इसको ऐसे समझिए आप, ऐसे मत लिखो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, ठीक है, ए बटा बी बराबर दिया है 2/1 और ए बटा सी दिया है 1/3, देखो यहाँ पे ए 2 दिया है, यहाँ पे ए 1 कैसे हो सकता है, इसको भी 2 करना पड़ेगा ना, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 1 = 2 और 3 × 2 = 6, 2/6 आ गया। अब आप ए बी सी लिख लो, ए कितना दिया है 2, बी कितना दिया है 1, सी कितना दिया है 6, 2 × 1 = 6, ठीक है। 400 रुपये में बेचने के बजाय एक मेज को 350 रुपये में बेच दिया, तो हानि 5% बढ़ गई, देखो 400 की चीज को 350 में बेचा, 50 रुपये का नुकसान, ये बोल रहा है 5% बढ़ गई उसकी हानि, तो डेफिनेटली 5% ही बढ़ेगी, तो ये 5 की वैल्यू हो गई, तो हमें मेज का लागत मूल्य निकालना है, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस 100% निकालना है, तो 5 × 5 = 0, 10 का मल्टीप्लाई 100 में कर दीजिए, 1000 होगा आपका आंसर। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, मान लो पहले 100 रुपये में 100 किलो चीनी खरीदता था, 100 रुपये में, या 100 किलो, 100 रुपये में 100 किलो, ठीक है, उसका भाव बढ़ गया और 20% भाव बढ़ गया, तो 120 रुपये हो गया, अब 120, तो 120 रुपये में अब 120 किलो खरीदेगा, सिंपल है। ये बोल रहा है चीनी की खपत को अगर उतना ही चीनी की खपत को कितना परसेंट कम करे कि उस पर अतिरिक्त खर्च न बढ़े, मतलब या फिर चीनी पे खर्च अपरिवर्तित रहे, ठीक है, तो 100 से कोई चीज 120 हो गई, तो 120 से वापस उसको 100 करना है, क्योंकि खपत कम करना है ना उसकी, तो 120 से कोई चीज 100 करना है, तो 20 कम करना पड़ेगी उसको, और 20 कम करना पड़ेगी किससे, 120 से, तो 100% कितना होगा, 20 × 120, 1/6 कितना होता है 16.66%। 5 साल पहले बाली गीता और ये 10 साल रेशो है, देखो ये आयु का क्वेश्चन है, तो आप सर्च कीजिए एजेस
एमपी पुलिस बाय परफेक्शन। देखो मैंने आईयू के लिए एमपी पुलिस के लिए सिर्फ एक अलग से वीडियो बनाई है जिसमें मैंने 25 क्वेश्चंस लगभग कवर किए हैं और सिर्फ आईयू के हैं, तो आईयू के सारे तरह के क्वेश्चंस सभी टाइप के मैंने उस वीडियो में कंप्लीट किया है, अभी 8 से 10 दिन पहले अपलोड किए वीडियो। ये लिखना एजेस एमपी पुलिस बाय परफेक्शन अकेडमी, तो हमारी ही वीडियोज आएगी। आप एजेस एमपी पुलिस लिखोगे तो बहुत सारी आ जाएगी, ठीक है, लेकिन अगर आप हमारी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो एजेस एमपी पुलिस बाय परफेक्शन अकेडमी सर्च कीजिएगा, हमारी वीडियोस आएगी, उसको आप कंप्लीट देख लीजिएगा, इस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। दो संख्याओं का म स ल स इतना है, दोनों संख्याओं का योग 60 है, तो दोनों संख्याओं में से एक संख्या होगी। देखो दो संख्याओं का म स एच सी एफ HCF और LCM दिया हुआ है 12 और 72, तो इस 72 को मैं लिख सकता हूँ 12 छंग 72, ठीक है, दोनों में ऐसा एक ही नंबर है 12 जो दोनों को कट कर देगा, LCM को भी और HCF को भी, ठीक है, और दोनों संख्याओं का योग 60 दिया है, तो कॉमन है कहीं ना कहीं इन दोनों में, तो 60 से इस कॉमन नंबर 12 से डिवाइड कर दो इसको, तो 12 पंजे 60, 5 बार कट गया, ठीक है, अगर 5 बार कट गया ये तो 5 ऐसी संख्या आई है जिन दोनों का जोड़ जो है वो लगभग कैसा होना चाहिए, जो दोनों में से एक संख्या बताना है हमें। तो देखो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 और 2 5, ठीक है, 4 और 1 5, है ना, और हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों में सेट भी होता हो, तो देखिए 3 और 2 5 होता है ना, तीन और दो के रेशो में लिख दो इसको, तीन और दो पांच को, क्योंकि तीन और दो ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर को काट देगा, 12 को भी और 72 को भी और इस 60 को भी काट देगा, ठीक है, तो ये तो तीन नंबर कॉमन हो गया, तो तीन और दो के रेशो में आ गया हमारा नंबर बड़ा छोटा, तो HCF और LCM में एक नंबर कॉमन है 12, तो 12 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 दूना 24, 12 दिया 36, इन दोनों संख्याओं का जोड़ 60 भी है देखो, और इनका HCF निकालेंगे तो 12 भी है और इन दोनों का LCM लेंगे तो 72 भी है, तो छोटी संख्या बड़ी संख्या दोनों आपके सामने आ गई है, दोनों में से एक संख्या कौन सी होगी, तो 36 और 24, देखो 36 तो नहीं दिया है तो 24 हो गया आपका आंसर, यहाँ एक पंखे पर 150 रुपये मूल्य अंकित किया गया और 20% की छूट दी गई, तो देखो MRP कितना लिख गया 150 रुपये और छूट MRP पे ही दी जाती है, तो 150 का 20% निकालो, देखो 10% 15 20% 30, तो विक्रय मूल्य हो गया 120 रुपये, यह 30 कहाँ से आया, 150 का 20% निकाल करके मैंने घटा दिया, तो 150 का 20%, या फिर एक काम करो सीधा ये लिखने की बजाय आप 150 का 20% की छूट देना है, मतलब 100 की चीज 20% छूट देने के बाद बेचना है, मतलब 80 रुपये में ही बेचना है, 80% में बेचना है ना, दो जीरो से दो जीरो कट गया, 15 आती 120, सिंपल आंसर हो गया, दोनों तरीके बेस्ट है, आप ऐसे भी कर लो ऐसे भी कर लो। दिए गए चित्र में यदि ABC 90 डिग्री है तो वो तो है ही सही, ऑलरेडी लिखने की जरूरत ही नहीं है, समकोण दिया हुआ है यहाँ पे देखो, तो देखो ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, 90 30, तो ये एंगल कितने का बचा, 60 डिग्री का, ये पूछ कह रहा है एंगल A 30 डिग्री है, तो देखो ये भी 30 दिया हुआ है, ACD बताइए, ACD ये बाहर का एक्सटीरियर एंगल पूछा है, बहिष्कोण, तो पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है, 180 में से अगर अंदर 60 बन गया तो बाहर बनेगा 120 डिग्री का, ठीक है, सर्कल बाय सर्कल SD यादव बाय परफेक्शन अकेडमी, ये सर्च कीजिएगा, सर्कल की वीडियो आ जाएगी ज्योमेट्री की, जो मैंने इनको डीप में बताया है SD यादव मैथ्स के अंदर, बहुत ज्यादा डीप में, आपको किसी बुक से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं होगी अगर आप उन वीडियोस को देख लोगे, क्वेश्चंस भी मैंने सारे कराए हैं सारे टाइप के, ठीक है, अगर बहुत अच्छा अगर मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना है तो वीडियोस देख लेना एक बार। किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, देखो मान लो अगर राशि है 100 रुपये, तो 100 रुपये का 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, तो राशि का 1/5, इस 100 का 1/5 कितना होता है 20%, तो ब्याज कितना हो गया 20%, राशि कितनी हो गई 100%, तो ब्याज की दर बताइए, तो देखिए 4 वर्षों का हमें निकालना है ब्याज, तो 100 रुपये पे 4 वर्ष का साधारण ब्याज, देखो मैं चाहूं तो सीधा आंसर निकाल सकता हूं, 20 50 100 5% आंसर होगा इसका, ठीक है,
लेकिन सबको समझ में भी तो आना चाहिए ना, 20-25 कैसे हो गया ये चीजें। तो ये जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारे ट्रिक्स, देखो एक एक ही सवाल में चीजें समझ में नहीं आती है। जब आप साधारण ब्याज का, एक तो आप आर एस अग्रवाल का सोल्यूशन देखेंगे या एस डी यादव का सोल्यूशन देखेंगे, तो आप सीधा शॉर्टकट समझेंगे इन क्वेश्चंस का। और वो भी क्या है कि टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस करने के बाद समझ में आएगा, सीधा मैं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा ऐसे कैसे मल्टीप्लाई करने के बाद ही हो गया, यहाँ पे चार का तो यूज ही नहीं किया। तो चीजें वही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब आप ये समझेंगे तो, और जब सॉल्यूशन देखेंगे तो समझ में आएगा, जब इससे बेसिक लेवल का क्वेश्चंस के बाद ये समझेंगे। तो देखिए साधारण ब्याज का सिंपल सा फार्मूला लगा दें हम, उसके बाद इसको कर लेंगे तो भी आंसर वही आएगा। 100 रुपये मूलधन गुना दर, दर हमें नहीं पता तो मान लो दर आर परसेंट है, इंटू ये, और ब्याज कितना आ गया 20 रुपये का, ठीक है। तो 100 से 100 कट गया, 4 से 20 कटेगा 5 बार, तो रेट कितना आ गया 5%। देखो ये क्लियर था ना, साधारण ब्याज अगर 20% है, मतलब ब्याज की दर 20% आ गई, तो 20% की दर है 4 सालों के लिए, तो हर साल कितनी होगी 5%, 5%, 5%, 5%, हर साल 5, 5, 5, 5, 5, तो प्रतिवर्ष पूछ रहा है ना ब्याज की दर 5% आंसर होगा। दो संख्याएं 5:8 में है, उनका अंतर 48 है, अंतर कितने का है यहाँ पे 3 का, तो हमारे हिसाब से अंतर 3 का है, वो बोल रहा है 48 का है। एक हो गया 16 की वैल्यू, छोटी संख्या पूछी है 3 की वैल्यू, सॉरी छोटी संख्या 5 है तो 5 की वैल्यू पूछी है, तो 1 16 की है तो 5 80 की वैल्यू होगी, ठीक है। चलिए ये यहाँ पे बोर्ड मास लगाना पड़ेगा, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बोर्ड मास BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो इसको पूरा एज इट इज रहने दो, इनका मल्टीप्लाई इनमें कर लीजिए, 2 दुना कितना हो गया 4, लेकिन यहाँ पे एक संख्या के बाद दशमलव है, यहाँ पे भी एक संख्या के बाद, टोटल 2 संख्या के बाद दशमलव है, तो 2 संख्या बना लो, कुछ नहीं आगे तो 0 लगा दो, तो मल्टीप्लाई इसके बाद दशमलव लगा दो, 0.04 हो गया मल्टीप्लाई, 0.2 इंटू ये लिख दिया पूरा मैंने, ठीक है। फिर डिवाइड, 0.2 प्लस 0.2 माइनस 0.2, ठीक है। और ये अब देखो ब्रैकेट हट गया, ऑफ भी नहीं है कहीं पे, अब डिवाइड होगा, तो इस नंबर में इस नंबर का डिवाइड कर दो, तो क्या इससे ये पूरा कटेगा एक बार, एक बचा से, ठीक है। अब होगा मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड भी हट गया, मल्टीप्लिकेशन बचा, आप तो मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यहां पे एक का मल्टीप्लाई 0.4 में तो क्या बचेगा, सिर्फ 0.4 है ना, मल्टीप्लाई भी हो गया। आप एडिशन कर दीजिए, जोड़, तो जोड़ दीजिए इनको आप, तो 0.2 और 0.2, 0.4 माइनस 0.04 है ना, तो अब सब्सट्रैक्शन कर दीजिए, घटा दीजिए, तो 0.40 में से देखो कुछ नहीं है, पीछे तो 0 लगा दिया ना, उसमें से गया 0.04, तो 40 में से 4 गया तो 0.36 बचा। समझ में आई होगी आई थिंक ये चीज आपको, ऑप्शन ए हो गया आपका आंसर। आरोही क्रम में लिखना है, आ मतलब बड़ा आ है तो बढ़ते क्रम में लिखना है, तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सबसे पहले देखो 1/3 कितना होता है, 33.33%, 1/3 होता है, 4/7, 1/7 होता है 14.28%, तो लगभग 14 भी मानो इसको, तो 14 चौके 56, ये 56 होगा, और 2/5 40% होता है, तो सबसे बड़ा नंबर आपके सामने आ गया। आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है ना, तो सबसे पहले 1/3 है ना, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा है 4/7, फिर उससे बड़ा है, तो सॉरी 2/5, फिर उससे बड़ा है 4/7, तो 1, 3, 2, 5, 4, 7, 1, 3, 2, 5, 4, 7, 1, 3, 2, 5, 4, 7, देखो ये क्रम भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 1, 3, 2, 5, 4, 7, ओ सॉरी मैंने गलत लगा दिया निशान, 1/3 छोटा है 2/5 से, 1/3 ये 33.33 छोटा है ना इससे, तो 1/3 छोटा है 2/5 से, और 2/5 छोटा है 4/7 से, तो ऑप्शन डी देखिए यहाँ पे, ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए MPSI के जो 27 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट में मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उनको कवर कर लिया हमने आज सारे, ठीक है। मैं रीजनिंग की वीडियोस भी बनाऊंगा, डोंट वरी, आप लोगों की काफी कमेंट आ रही है, मैं सारी कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो कमेंट जो रीजनिंग की वीडियोस होगी वो सिर्फ रीजनिंग की ही होगी, उसमें हम मैथ्स कवर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले मैथ्स कवर कर रहे हैं हम, ताकि मैथ्स हमारा नहीं बचे, ओके। तो 11, 8, 8, 8 पेपर और बचे हैं आई थिंक इसके,
इसके बाद हम एमपी कांस्टेबल का मैथ्स पढ़ेंगे, उसके बाद सीधा सिर्फ हम मैथ्स रीजनिंग ही रीजनिंग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।